अच्छा, आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की है? मैंने बीजिंग चाइना से। चाइना से की? बीजिंग से। अच्छा, इतना ही रोजाना नई नई काम दिखा रहा है, अनबिलीवेबल है। आप देखें तो सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है आपके शहर को? जी सर, उसको पिशावर को। बाकी फिरोज साहब ने चक्कर लगाया, आपसे पूछे भी। हमारी पहले कंपनी में 30 साल। फिरोज भाई कितने साल रहे आप? 31 साल। और 31 साल बिल्ला यहाँ इसी में हरम मस्जिद नबी के अंदर, मस्जिद नबी में ही रहे पूरा साल। ये 32वां साल अभी चल रहा है ये। अच्छा, तो अभी आपने रिजाइन दिया? खाना आपको पसंद आया? बहुत बेहतरीन किस्म का सर, दिल तो कर रहा है बंदा एक होटल खोल ले और आपके फार्मूले सारे उसमें अप्लाई कर दे। जॉब से जान भी छूट जाएगी, अपना बिजनेस भी चमकेगा, बॉस की बातें भी नहीं सुननी पड़ती, खुद बंदा बॉस बन जाएगा। क्या ख्याल है? हाँ भाई उसामा, आप तो कढ़ी के दीवाने हैं, तो ये कोरमा या मसालेदार कोयला चिकन ने कुछ कुछ इफेक्ट किया नहीं? कढ़ी के नहीं, बाबा आपके दीवाने। सामिर भाई आपको सही लगा खाना? अल्लाह की कसम सही लगा, मैं कसम खा ली। अच्छा, ये जो पहला डिश खाई ना मैंने, मैं कह रहा हूँ घर जाके आज कुछ कुछ अंजाम करना है मुझे। धुएंदार धुए आपकी पैदाइश सऊदी की? अच्छा, कहाँ? रियाद। फिलहाल तो मदीना यानी प्रदेश है। जी जी, ये पहली बार मैंने घर का खाना खाया। अच्छा, लाजवाब। कितने महीने हो गए आपको आए? तकरीबन सेकंड मंथ कंप्लीट। आप भी सीमेंस में है ना? हाँ जी। हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर हैं बिल्लादीन के। जी बिल्कुल, बस जाकला खैर और अल्लाह आपको इस्तेकामत दे। शुक्रिया। चलिए, आपको पसंद आया घर का खाना, याद आ गया, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मैं कह रहा हूँ फैमिली मेरी गई थी अपना जी अगस्त के स्टार्ट में। जी जी जी, उसके बाद से मैं उबर गया यहाँ पे आया। ये पहली बार था जब मैंने माशाल्लाह से तो घर का उसका ना टेस्टी जिस तरह से होता ना अपनापन फिर होता खाने। जी जी जी, वो माशाल्लाह से। दूसरा तो वो चिकन स्मोकी फ्लेवर वाला चिकन था, दूसरा जो कोरमा जी उसकी भी माशाल्लाह से, एंड उसका मसाला था ना माशाल्लाह से। जी जी, बहुत ही कॉन्शियस टाइप का माशाल्लाह। जी आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है कुकिंग के अंदर, चलिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप तो नॉमिनेट हो गए, परफेक्टनेस जो थी ना। हाँ, मतलब पसंद आया फिरोज भाई आपको भी? हाँ, दस्तरखान को वसी करे। कोरमे के लिए जो फ्राई हो चुकी है प्याज, ठीक है, ये देखें सर, प्याज मैंने इस तरह से टिश्यूज रख कर के एक ट्रे पे, और ये प्याज मैंने लगा दी है इसलिए कि ये मुझको ड्राई करनी है। इस तरफ ये मसालेदार कोयला चिकन की तैयारी चल रही है। चलिए साहब, अब इसको ना मसालेदार कोयला चिकन को धोनी लगा देता हूँ माशाल्लाह से। ये देखें ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, क्रश करके हैंड से इस तरह से, ये देखिए अच्छे से क्रश हो गई। इसको डाल देते हैं इस तरह से। ये देखिए जनाब, कोरमे की रंगत माशाल्लाह, ज़बरदस्त कोरमा निकल के आया है माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों डिश तैयार। ये देखें, मखाने डालने भूल गया था तो मखाने इस वक्त डाल दिए मैंने माशाल्लाह। इसमें कोरमे में बहुत अच्छे लगते हैं मखाने। अब ये लास्ट रह गया है क्या, केवड़ा वाटर, ठीक है, ये केवड़ा वाटर और डाल देता हूँ बस, थोड़ा सा और बस काफ़ी है। आया आया जनाब, अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम वेलकम वेलकम। आइए 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 आइए, बिल्कुल बिल्कुल वेलकम। हाँ, टीवी के पोस्ट हैं। एक आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आ जाइए आ जाइए, बैठे बैठे तशरीफ रखिए। बड़े दिन माशाल्लाह माशाल्लाह।
कहाँ जाते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ? हरम में? अच्छा, स्कूल का ट्यूशन? अच्छा 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 अच्छा, अच्छा सुबह हरम जाते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। उस दिन सर से डिनर में कहाँ गायब हुए थे जब हम लोग खाना खा रहे थे? पीछे पीछे कहाँ? अंदर चला गया था। अच्छा, कोई दोस्त मिल गया था आपका? हाँ, वही मैंने मैं पूछ रहा था, मैंने कहा साबिर भाई साहबजादे किधर गए? अच्छा, दोस्त मिल गया था? हाँ सही सही। चलिए साहब, इस वक्त ये नान आ गए हैं अफ़गानी माशाल्लाह, कोरमा ये रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इधर कोयलेदार मसाला चिकन। आसिम जी सर, इधर आइए प्लीज़, ये उठा के लेके जाइए। एक काम करिए, एक सेकंड, पहले दस्तरखान तो बिछा, वो बिछा दीजिए, सफरा। ओके, लीजिए दस्तर बिछा दिया जी, ले जाइए ले जाइए, दोनों एक एक करके ले जाइए प्लीज़। हाँ सही, ये लीजिए लेके जाइए कोरमा, ये नान भी ले जाइए। तो साहब इस तरह से माशाल्लाह चला गया, टेंशन फ्री। चलिए चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत प्यारे नान बनाते हैं ये अफगानी नान, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन नान। जी 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 जी, सॉफ्ट रहते हैं काफी देर तक। सही बात, 400 किलोमीटर है वन साइड जद्दा यहाँ से। जी जी, हाँ भाई उसामा, आप तो कढ़ी के दीवाने हैं, तो ये कोरमा या मसालेदार कोयला चिकन ने कुछ कुछ इफेक्ट किया नहीं किया? तो क्या होटल चलाते थे वो वहाँ पहले? तो वो मैं बता रहा हूँ, यही ना, इसीलिए इसमें आए कैसे वो? अच्छा, इलेक्ट्रिकल आदमी ऐसे कैसे आ गया? जी क्या थे, इलेक्ट्रिकल फोरमैन या इंजीनियर? अच्छा जी, हमने उनको मंगवाया था ना। अच्छा 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 अच्छा, दोबारा हायर करके उन्होंने एक दिन हमारा जो कबाब बनने वाला बंदा था वो गायब हो गया। अच्छा, उसको ले गया वो, ज्यादा का ऑफर कर दिया होगा जाहिर बात है। बाद में तो लोग डबल कर देते हैं, चलो भाई यहाँ से उनको खराब खराब करना होता है दूसरे का बिजनेस। बिजनेस सही बात, बोले फिर मुझे समझ में नहीं आया, एक दिन तो मैं बिल्कुल सकते में आ गया कि अब मैं कैसे करूं जी, फिर मुझे पूछना पड़ा इसको। अच्छा, टिक्के और बिहारी कबाब ऐसे जबरदस्त बनाते हैं वो। अच्छा, कहाँ? लालू खेत में, लालू खेत एरिया में। अच्छा अच्छा अच्छा, इस काम होटल के काम में आदमी को खुद रोनी होनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल, इसमें जो ज्यादातर परेशान करते हैं ना वो लोग करते हैं, जो नान भाई होता है ना नान बनाने वाले, तमाम टेक्निकल वो सारा खरीदने होते हैं उनके कुक स्पेशली जी, उनको बांध रखना पड़ता है। सही सही, सही बात। वेस्टर्न में जॉब करता था और यूनियन में था, तो हमारी यूनियन की बैठक रहती थी लेट आवर्स में, 12 बजे के बाद 11 बजे में ड्यूटी से आता था। तो यूनियन के प्रेसिडेंट थे, आजकल मियामी में फ्लोरिडा में गाड़ी थी, तो मैं लेके जाता था, तो मौलवी साहब आके बैठ जाते थे। पंजाब से
तो उन्होंने कहा कि यार मैंने इस चक्कर में ना इनके घर जाके देखे, इनके घर देखे, कभी भागते तो मैं इनके घर पर पहुँचता हूँ सीधे। अच्छा। और मैंने सबका सब्स्टिट्यूट ढूंढा हुआ है, हर बंदे का तोड़ वो एक आदमी नहीं, और ज़बरदस्त बंदा उनकी बेकरी इरम बेकर्स के नाम चूड़ी बीड़ी थी इरम, उसके नाम पर उन्होंने पूरा बेकर्स बनाया हुआ था पूरा लियाकतबाद में, लियाकतबाद में बड़े मतलब शौकीन आदमी थे जी। और सिंह कौन सी चाय बन रही है? इसको सर कहते हैं पिशावरी दूध पत्ती, और ये इसके साथ हमने इलायची डाली है, अच्छा अदरक डाला है और ज़ाफरान डाला है सर। और ज़ाफरान? हाँ ये ज़ाफरानी चाय बनेगी, ज़ाफरानी चाय। माशाल्लाह 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 गुड। आपके हाथ का बड़ा ज़बरदस्त है, तो इंशाल्लाह हम चाय आपको उसके बदले में बड़ी ज़बरदस्त बनाए। खाना आपको पसंद आया? बहुत बेहतरीन किस्म का सर, दिल तो कर रहा है बंदा एक होटल खोल ले और आपके फार्मूले सारे उसमें अप्लाई कर दे। जॉब से जान भी छूट जाएगी, अपना बिजनेस भी चमकेगा, बॉस की बातें भी नहीं सुननी पड़ती, खुद बंदा बॉस बन जाए। क्या ख्याल है? सही। ये हमारे दोस्त आसिम हैं, जो हमारी कंपनी में तो नहीं है लेकिन उनकी कंपनी का नाम है सीमेंस, जो कि हमारी कंपनी बिल्ला दीन की सब कॉन्ट्रैक्टर है। तो आज ये अपने हाथ की चाय हमें पिला रहे हैं माशाल्लाह। इनका ताल्लुक कहाँ से है? खैबर पख्तूनख्वा पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा पेशावर सिटी से। पेशावर सिटी से हैं। तो आज हम इनके हाथ की चाय पीने जा रहे हैं, अभी खाने से डिनर से फारिग हुए हैं माशाल्लाह। हमारे का भाई कहा जाता है द सिटी ऑफ फ्लावर्स। द सिटी ऑफ फ्लावर्स। हाँ, तो सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है आपके शहर को? जी साहब। उसको पेशावर को। बाकी फिरोज साहब ने चक्कर लगाया, फिरोज भाई भी हमारी पहले कंपनी में 30 साल। फिरोज भाई कितने साल रहे आप? 31 साल। 31 साल। और 31 साल बिल्ला यहाँ इसी में हरम मस्जिद नबी के अंदर, मस्जिद नबी में ही रहे पूरा साल। ये 32वां साल अभी चल रहा है ये। अच्छा, तो अभी आपने रिजाइन दिया? अच्छा, एज में आ गए, 60 में आ गए थे। हाँ, इस वजह से। अच्छा अच्छा, चलिए आप दूसरी कंपनी में। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, काजी के पास जो डाला हुआ था क्या हुआ उसका? फैसला दे दिया उन्होंने, इंडेमनिटी जितना था वो पैसे तो उन्होंने कहा ये आपको मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, 31 साल के। 31 साल के, ठीक है। बाकी जो बोनस है 3 साल 2021-22 का, वो बोनस प्लस ये 8 महीने की जो सैलरी है जी जी, उसने कहा कि ये जो है ना मुश्किल है। अच्छा, इसके लिए आप दोबारा से अप्लाई कीजिएगा। अच्छा अच्छा, बताइए कि अब हम किसी और मसले में फंसे। पहले ही 31 साल की आप ग्रेजुएटी पकड़ इसको ले लें, स्टार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ये है, इस पर तय हो गया। अच्छा, चलिए अल्लाह बेहतर करे। तो बहरहाल 30-31 साल आप मदीना शरीफ में रहे, कहीं और ट्रांसफर नहीं हुआ आपका? यार हम तो आए थे हरम के लिए। अच्छा, कुछ हरम के लिए। उस वक्त जब मैं आया था उसने कहा यार आप कम्युनिकेशन भी पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, वो लबनानी थे मैनेजर अपने हेड ऑफिस में। अच्छा अच्छा, हर एक हफ्ते के बाद हम होटल में ठहरे थे। अच्छा, 7 हफ्ते हम होटल में ठहरे। अच्छा, और उसने कहा कि भाई आप जो है ना इतना एयरपोर्ट पे चले जाएं और वो टाइम है तो ये। और मैंने कहा मैंने यार गवर्नमेंट की जॉब छोड़ी भाई, सिर्फ हर महीने कराची में, इधर मक्का और मदीना उन्होंने बनवाया था पाकिस्तान स्टील मिल्स कॉरपोरेशन जी जी, जिसमें वाशिंग गजे ने उसको भी बनवा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, इस चक्कर में जो है ना अगले काम उसको छोड़ गया इस जॉब को, ज़्यादा इस या मदीना या मक्का, नो वे आउट। तो जब से आप इधर आ गए असामा बना और हम लोग सबको की बस में बैठ गए उतर गए बस में राज कर रहे। 31 साल पहले जो आपको सैफको की बस ने मदीना में उतारा, जब से माशाल्लाह मदीना में सरकार की कुर्बानी दे दी गवर्नमेंट जॉब की, अल्लाह ने उसके बदले में सही बात है माशाल्लाह, बड़ी बात करम एहसान बड़े। ये तो भाई किस्मत वाले ही, यहाँ अल्लाह ताला जिसको बुलाता मतलब हुक्म देता है वही आता है। हकीकत तो ये है, मतलब इस शहर में नसीब वाले ही आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये इसका मुतबादिल नहीं है तो मैं पढ़ूंगा इसे। खुदा से डरो नहीं अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। क्या ये अल्लाह है? इस्लाम की सुन्नत नहीं है? अल्लाह सलम ने इसे भी तब नहीं पढ़े? किसी का मसला नहीं है तो हमें तो हमारे जिम्मेदारों में। तो आपने देखा बात करता कई तरह से पढ़ते हैं, एक रिकात भी पढ़ते हैं, 3 रिकात भी पढ़ते हैं, दरम्यान में अतैयात को भी वो छोड़ देते हैं, कंटिन्यूस पढ़ते हैं। ये सारे तरीके अल्लाह के साथ
सारे सारे करते हैं, सारे तो किस जाते हैं, सारी सुनते हैं जो के एक सुनर छूटना जाए ना, सारी बार बार बीच में। अब इतना परसा आपको यह गर्म हो गया मुझे भी, और मैंने कभी किसी को ऐसे टच करते देखा कोई चाहे हाथ छोड़ के पड़ रहा है, यहाँ बांध रहा है, कोई यहाँ बांध रहा है, कोई टोपी उड़ रहा नहीं, कोई किसी को टच नहीं करता यहाँ, बस तुम्हें अपनी मस्ती में मस्त हो, जो तेरा काम है तू करता। हमारे यहाँ तो एक अजीब सी दास्तान है यार, हमारे तो डर लगता है अगर ऐसा जब कर लिया वो दूसरा बोले जाते हैं फतेहन कर रहा है वो पीछे पड़ जाएंगे आपके, मस्जिद में चले गए ना अगर आपने। ज़ाफ़रानी चाय बनाई है साबिर भाई इन्होंने, ये ज़ाफ़रानी चाय है, ये ज़ाफ़रानी बहुत गजब की, अमर भाई ने बोला कि थोड़ा डालो ना, ये वो ज़ाफ़रानी का थोड़ा डालो ना, रिकॉर्ड दालचीनी भी, दालचीनी है और अदरक है, लौंग है, बस फर्क इतना है कि आबे हयात नहीं है इसमें। मुझसे बस एक चीज घर में रह गई, मैं सुबह भूल गया वरना मैं वो उठा रहा था गुड़, तो मेरे भाई की गुड़ की जान गुड़ा गुड़ा की बस आबे हयात नहीं है, बाकी सब कुछ है इसके अंदर, इस चाय में जबरदस्त चाय है। कैसी लग रही बेटे? अगली बार दुकान कर ले, हम ऐसी चाय की तो पांच रुपए है। एक कुरान पाक में अल्लाह का एक फरमान, एक आयत है, वो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ अभी, उसकी फिर तफसील बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله العظيم۔ مختصر یہ میرا یہ آیت جو ذہن میں آ جائی، ہم سبھی لوگ تقریباً کوشش کرتے ہیں کہ اچھے کام کریں جی، بعض دفعہ شوق میں بہت تیزی سے وہ کام کرتے ہیں لیکن سنبھال نہیں پاتے، مطلب اس پہ کنٹینیو اس کو کر پاتے۔ یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ سبھی کہتے ہیں، اتنا تو ہم سبھی کہتے ہیں، اگلا جو ہے اسٹیپ وہ بہت جاندار ہے، ثم استقاموا، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا، ہم کام بھلے سے تھوڑا کریں لیکن اللہ سے استقامت مانگیں، پھر اللہ رب العزت کے وعدے ہیں اس کے بعد، صرف اس بات پہ وعدہ نہیں ہے، ان الذين قالوا ربنا الله پہ وعدہ نہیں ہے کوئی بھی، ثم استقاموا پہ وعدہ ہے۔ کیا وعدے ہیں؟ تتنزل عليهم الملائکہ، سب سے پہلے اللہ رب العزت فرشتوں کا نزول ان کے اوپر کریں گے، جو یہ کہہ رہے ہیں رب میرا اللہ ہے اور اس پہ جم گئے۔ اصل چیز کیا ہے یہاں پہ؟ آپ چھوٹا کام کرو، تھوڑا کرو لیکن کنٹینیو، جب جاؤ اس پہ۔ آج میں شوق شوق میں بہت کر لیا، پھر دو مہینے سے ہو گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ الا تخافوا، اس کے لیے کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا تحزنوا، نہ کوئی خوف ہوگا، وابشروا بالجنہ، اس کے لیے جنت کی خوشخبری بھی ہے، ہائے ہائے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جو تم سے وعدہ کی گئی ہے۔ مختصر یہ لمبی آیت ہو جائے گی، لمبے جی، ہم جب کوئی کام کریں اللہ سے اس پہ استقامت مانگیں جی، اس کی کوانٹٹی کے اوپر نہ جائیں کہ میں نے آج 20 نفل پڑھنے، آج میں نے 100 نفل پڑھنے، آج میں نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی، نہیں، آپ صرف فرض ادا کر لیں اور کہہ رہے اللہ میرا رب ہے، جم کے دکھا دو، اس میں دیکھو کیا نہیں ملتا، بے شک فرض ادا کر لیں، اور اللہ کو جب ہم نے کہہ لیا ہمارا رب ہے، پھر اس پہ پریکٹیکلی کر کے دکھا دے اس چیز کو، ہر حالت میں میرا رب اللہ ہے، پھر انشاءاللہ العزیز اللہ نے دونوں جہان کی ہمیں بشارت دی ہے، خوشخبری، نہ آپ کو یہاں کوئی ڈر خوف ہوگا، اور آخرت میں آپ کے لیے جنت ہے، جیت کا میں نے وعدہ کیا آپ کو۔ اس کے اوپر توجہ کرنی ہے ہم نے کہ ہم کام تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، اس کے اس کی اس کا اتنا زیادہ اس کی مطلب ویلیویشن نہیں ہے، اصل میں ویلیو ہے کہ آپ اس پہ جمے رہیں، جمے رہیں دل سے، وہ بھی ایک دم اندر سے، لیکن جب کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے تو پھر اسے کر کے دکھائیں ہر حالت، بے شک بے شک، تنگی میں بھی اور خوشحالی میں، خوشحالی میں دونوں، یعنی کہ خوشحالی میں تو میرا اللہ، میرا اللہ، تنگی میں ہائے ہائے میں مر گیا، نہیں، اب بھی میرا اللہ ہی رب ہے، خوشحالی کے ساتھ، ہاں صحیح، تو یہ شاید کہیں
जज़ाकअल्लाह, आप लोग आए, मज़ा आया माशाल्लाह। आपका नाम मैं थोड़ा अब्दुल्ला साहब, हाँ 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 सही सही सही। तो आप इलेक्ट्रिकल से हैं क्या? नहीं, मैं मैकेट्रॉनिक बड़े जबरदस्त टेक्नोलॉजी से मेगाट्रॉनिक्स मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्बिनेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, न्यू टेक्नोलॉजी है मेगाट्रॉनिक्स। आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की है? मैंने बीजिंग चाइना, चाइना से की। बीजिंग से? अच्छा, इतना रोजाना नई नई काम दिखा रहा है। आज एक मैंने वीडियो देखी, वैसे यूट्यूब पे ही था, तो वह देख रहा था पूरी जो बस स्टैंड है बीजिंग का काम किया, उसको उसने पूरा उठा के शिफ्ट कर दिया, एक जगह से उठा के पूरी बिल्डिंग एज इट इज शिफ्ट कर दी। इस तरह बिल्डिंग तो मैंने देख चुका हूँ उससे पहले भी, शिफ्ट किए वो छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स टाइप की बिल्डिंग थी ये। नहीं नहीं, वो बड़ी रेलवे स्टेशन टाइप की चीज उसने पूरा शिफ्ट किया। अच्छा, किसने 1000 हाइड्रोलिक जैक्स लगाए? जी जी, सारे मूव किए। एग्जैक्टली, बिल्कुल, विद कॉलम बीम्स एवरीथिंग। बड़ी ये भी अल्लाह का इल्म है जी। बिल्कुल, तभी कहा आज की जुमेरात थोड़ी, फिरोज भाई पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। कौन ये साबिर भाई? ये किधर है साबिर भाई? अच्छा, उस तरफ। चलिए, ओके साबिर भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। चलिए इंशाल्लाह होते हैं। अल्लाह हाफिज़ साबिर भाई। क्या गाड़ी है? क्या? अच्छा हाँ, निकाल लीजिए, आपकी कोई चीज़ रखी है मेरी गाड़ी में, निकाल लीजिए। तो बस यहाँ से टी, उसके बाद सेकंड टी राइट से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गाइड, बिल्कुल ठीक है सर। चलिए यार, ओके डियर, थैंक यू वेरी मच, ओके आमिर भाई, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने बहुत एफर्ट्स की, मैंने आज खुद देखा कि कितनी मेहनत है। ठीक है फिरोज भाई, थैंक यू वेरी मच, ओके डियर, अल्लाह हाफिज़। अब्दुल्ला, हाँ अब्दुल्ला मुर्शिद, आपका नाम मुझे नहीं भूलेगा, इसलिए मेरे दादा का नाम अब्दुल्ला था। ओके डियर, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। चलिए साहब, आज जुमेरात माशाल्लाह से एंजॉय हो गया अच्छे से। ये देखें मेरा एरिया माशाल्लाह साफ सुथरा, और कितना चौड़ा रोड है, जैसे हाईवे का है ऐसे समझ लीजिए माशाल्लाह। वो मेरा फ्लैट है, वो जो सामने नज़र आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज घटा है, बारिश भी हुई थी शाम में मगरिब के वक्त, अभी भी घटा खूब हो रही है। चलिए साहब, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, आप मेरा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।